बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माई चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट यूनिट नंबर 12, द अर्थ फ्रॉम अमेजिंग साइंस क्लास 2। इस वीडियो से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said to my lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. This is the unit number 12 and the name of this unit is the earth, zameen. The earth is our home. Zameen hamara ghar hai. नेक्स्ट पेज से हमारे चैप्टर की बाकायदा रीडिंग का आगाज़ होता है। फर्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है दैट इज़ द अर्थ, ज़मीन। द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ बॉल, ज़मीन की शक्ल एक गेंद जैसी है। इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये हरारत और रोशनी सूरज से हासिल करती है। इट इज़ नीदर टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉट टू कोल्ड, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ टॉल ट्रीज, इसमें लंबे लंबे दरख्त हैं या ऊँचे ऊँचे दरख्त हैं। एंड मैनी अदर प्लांट्स, और बहुत से दूसरे पौधे हैं। इट ऑल्सो हैज़ इंसेक्ट्स, यहाँ पर हशरात भी हैं, बर्ड्स, परिंदे एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत से दूसरे जानवर, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ब्यूटीफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स, खूबसूरत जानवर और पौधे। देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक लेयर है या एक तय है। एयर इज़ यूज बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ, एयर किस लिए इस्तेमाल होती है या हवा से हमें क्या फ़ायदा होता है, इसे पौधे और जानवर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। थ्री क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ज़मीन का तीन चौथाई हिस्सा पानी से कवर्ड है। देयर आर मैनी ओशंस, सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पर बहुत से समंदर हैं, बहुत सी झीलें हैं, दरिया हैं। ओशन का वर्ड भी समंदर के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बड़े समंदर के लिए, जिसको हम उर्दू में बहर बोलते हैं, और सी होता है बहीरा। नेक्स्ट है अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ इज़ लैंड, और ज़मीन का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा ज़मीन पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ पर खुश्की है। ऑन द लैंड, ज़मीन पर देयर आर मैनी हाई माउंटेंस, बहुत सी बुलंद पहाड़ियाँ हैं, एंड फ्लैट प्लेन्स, और बिल्कुल चपटे मैदान हैं। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है दैट इज़ नाइट एंड डे, रात और दिन। इन द डे टाइम, दिन के वक्त, द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ, सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। बट वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट, लेकिन हम रात में सूरज को नहीं देख सकते। द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। एक पॉइंट है जिसके गिर्द वो घूमती है, और उसको हम उसका एक्सिस यानी महवर बोलते हैं। द अर्थ टर्न्स राउंड वंस इन 24 आवर्स, और ज़मीन अपना जो महवर के गिर्द उसका एक चक्कर है वो तकरीबन 24 घंटे में मुकम्मल करती है। द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, और उसके महवर पे घूमने की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। यहाँ पे हमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें हम देख सकते हैं द सन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, ज़मीन पर दिन और रात का होना सूरज की वजह से है, जस्ट लाइक दिस लैम्प, जैसा कि इस लैम्प की वजह से हो रहा है। When the sun is shining on one side of the earth, जब सूरज ज़मीन की एक साइड पर या एक तरफ पर चमक रहा होता है, the other side is in darkness, दूसरी तरफ अंधेरे में होती है। When it is day, जब दिन का वक्त होता है, on one side of the earth, ज़मीन की एक साइड पर, it is night on the other side, दूसरी तरफ रात होती है। The side which has day becomes warm, जिस तरफ रोशनी होती है या दिन का वक्त होता है वो गर्म होती है। द साइड विच हैज़ नाइट कूल्स डाउन, और जिस तरफ रात होती है उस तरफ से ज़मीन का वो हिस्सा ठंडा हो जाता है। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है दैट इज़ इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में बताया गया है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट, ज़मीन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। द क्रस्ट इज़ अ हार्ड रॉकी शेल अराउंड द अर्थ, ये बहुत सख्त किस्म की चट्टानों से मिलकर बना होता है, और एक शेल की सूरत में पूरी ज़मीन के गिर्द होता है। द क्रस्ट इज़ कवर्ड विद मैनी ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स एंड हाई माउंटेंस, क्रस्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ओशंस, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं बड़े आज़मों को, एंड आइलैंड्स और जजीरों से, एंड हाई माउंटेंस और बुलंद बुलंद पहाड़ियों से। द लेयर ऑफ रॉक बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल,
क्रस्ट से नीचे वाली जो लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं। द मेंटल इज़ मेड ऑफ हैवी रॉक्स, और ये हैवी रॉक्स बहुत भारी चट्टानों से मिलकर बनता है। अंडर द मेंटल लाइज द आउटर कोर, मेंटल से नीचे जो लेयर है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं। दिस इज़ मेड ऑफ हॉट लिक्विड रॉक्स, और ये किस चीज़ से बना है, लिक्विड रॉक्स से। इसमें सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द इनर कोर, जो बिल्कुल दरमियाना हिस्सा है ज़मीन के बिल्कुल मिड में, उसको हम इनर कोर बोलते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का सबसे गर्म हिस्सा है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, और ये सॉलिड रॉक्स यानी ठोस चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ पर हमें ठीक से समझाने के लिए एक पिक्चर भी गिवन है, जिसमें अर्थ को एक स्लाइस के फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो बाहर वाली है दैट इज़ क्रस्ट, नेक्स्ट इज़ मेंटल, उसके बाद है आउटर कोर, और लास्ट में है इनर कोर। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर प्लीज़ आई कैन शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।